Assalamualaikum, I am Dr. Amin Yusuf. I am a board certified plastic and cosmetic surgeon, CEO of Cotton Plus Lahore. आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी क्या होती है. नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी दो तरह से मोस्ट कॉमनली हम परफॉर्म करते हैं. एक है जो फिलर्स के साथ, जो कि एक इंजेक्टेबल फॉर्म में बना बना हुआ एक इंजेक्शन अवेलेबल है, जिसको हम HA फिलर कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड फिलर, जो कि यूजली 8 मंथ टू 1 ईयर लास्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज. सो ये ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड में, जो कि मोस्ट कॉमनली दुनिया में फिलर्स हो रहे होते हैं, उसमें अवेलेबल है. हम नमिंग क्रीम लगाते हैं जिससे एरिया नम हो जाता है नोज़ के ऊपर, और उससे 15 टू 20 मिनट्स के बाद आप अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो पेन कम होगी. सो यूजली इट्स ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर, विच मीन कि आप आते हैं, करवा के फ़ौरन जा सकते हैं. यूजली कोई स्वेलिंग खास नहीं होती, लेकिन 5 to 7 days स्वेलिंग रह सकती है. सो सेफेस्ट प्रोसीजर है. दिस इज़ नॉट फॉर वेरी सीवियर डिफॉर्मिटीज़. अगर आपको हाइट को इंक्रीज़ करना है, आप उससे कर सकते हैं. कोई माइनर से डिफॉर्मिटीज़ है, कोई खड्डा है, कोई डिप्रेशन है, उसको करेक्ट कर सकते हैं. टिप को भी डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. सो इस अ प्रोसीजर फॉर कैमोफ्लाजिंग फॉर माइनर इरेगुलरिटीज़. हर प्रोसीजर के जिस तरह साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट हैं. स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग फॉर 5-7 days तो नॉर्मली हो सकती है, लेकिन एक ब्लाइंडनेस एक ऐसा काम है, अगर रेडिक्स एरिया में फिलर करें तो वहाँ से वो थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स ऊपर आइज में जा सकता है, जिससे बहुत कम केसेस में 10,000 में एक केस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. नंबर टू ऑप्शन इज थ्रेड लिफ्ट. तो जैसे कि आपको जॉ लाइन को रीडिफाइन करने के लिए, आपकी चीक्स को अच्छी शेप देने के लिए हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं, सिमिलरली नोज़ थ्रेड भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके ड्रूपी टिप को लिफ्ट कर सकते हैं और डॉर्सम को स्मूथ कर सकते हैं. यूजली 3 to 5 यूज़ होते हैं. ये भी अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है. आई मीन बिफोर पुटिंग थ्रेड्स वी इंजेक्ट नियर टिप ऑफ द नोज इस एरिया में, जिससे आपके एरिया नम होगा तो आपको पेन फील नहीं होगी. इट लास्ट अराउंड 1.5 years. सो साल से 1.5 साल ये भी चल सकते हैं. बट अगेन ये आपके नोज़ को सर्जिकल राइनोप्लास्टी को रिप्लेस नहीं कर सकते, जो कि आपकी नोज़ की डिफॉर्मिटी को परमानेंटली करेक्ट करता है. बट स्टिल दे आर गुड ऑप्शन इन हैंड इफ डन करेक्टली, बट एट अ कॉस्ट ऑफ लिटिल कॉम्प्लिकेशन. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द फिलर टाइप एंड कंपनी. जो ब्रांड है, जैसे जुवेडर्म है, रेस्टलिन, दे कॉस्ट अलॉट. लेकिन जो कोरियन ब्रांड्स हैं या जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, देर कॉस्ट लेस. बट यूजली स्टार्ट फ्रॉम 25 to 50. जुवेडर्म इज कॉस्टली, सो इट मे कॉस्ट 60 up to. लास्ट कितना रहते हैं? अगेन यूजली हम यूज़ करते हैं वॉल्यूमो, विच लास्ट अबाउट अ ईयर फॉर नोज, जो कि फिलर. ऐसे थ्रेड कौन से यूज़ करते हैं? डिफरेंट कंपनीज हैं, कोरियंस भी हैं, बट आई यूज़ एप्टोस थ्रेड, जो कि कॉस्ट करते हैं 70 to 90 thousand. और ये भी साल या 1-1.5 साल. कितनी परसेंटेज लोग इसको कराते हैं? आल्दो के हमारा सर्जिकल ही ज़्यादा प्रेफरेंस है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो नॉन सर्जिकली करते हैं, तो सर्जरी नहीं करते. लेकिन चूंकि वी हैव बोथ ऑप्शंस, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन, सोल्यूशन क्या, टाइम कितना अवेलेबल है, तो वी डू. यूजली हमारे 90 to 95% केसेज सर्जिकल हैं एंड 5% केसेज आर नॉन.